साहब, तो देखते हैं ये क्या वीडियो है, किसके बारे में है, यानी कि वो कौन है, किसने क्या बोला है अभी फिर से पता नहीं, तो देखते हैं। आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखना और फिर हम आपको बताते हैं कि वीडियो कैसी लगी, क्या है। स्टार्ट करते हैं। Assalamu alaikum brothers and sisters, I hope you are well. This is a rare video for you guys from Sense Islam. This would be little surprising because you are used to seeing communal debates, hate speeches on TV or social media. Well, if you know Hindi or Urdu language, you can understand it. Otherwise, the subtitles are put up. Don't worry, I will summarize it for you if you don't understand the language. Let's watch the video first. इस्लाम जब पैदा हुआ पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे, पूरी दुनिया में अंधेरा। और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए, इस्लाम प्रेम मैसेज। हुजूर साहब गुजरते थे एक रास्ते से, कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी, हमारे आपके ऊपर फेंकते, हम तो गोली चला देते तुरंत। स्टॉप करके बोलना चाहूंगा, मतलब ये इनको सही स्टोरी पता है, मतलब ठीक है, मोहम्मद साहब की इनको पूरी तरीके से पता है क्योंकि ये जानते हैं, इसलिए ये इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि वे कूड़ा फेंकोगे, वो भी हम मतलब मैं वाजीराम के टीचर, इतनी औकात तुम्हारी, पैगंबर, हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, पैगंबर। एक दिन उस महिले ने कूड़ा नहीं फेंका, वो मकान के अंदर गए, पता किया कि मोहतरमा कहाँ है, पता चला बीमार है, गए हालचाल पूछा, कहा मालिक से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए। ये है, ये हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे, स्पेन से लेकर चाइना सी, कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे कि जीतने के सिद्धांत क्या है, जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है, चोर किस चीज का इस्तेमाल करता है, तलवार का। ये मैसेज है, मैसेज इकरा मतलब पढ़ो। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है, वो कहता पढ़ो समझो। तैफ शहर का नाम सुना होगा, वहां के लोग हुजूर साहब को पत्थर मारते थे, गाली देते थे। अब हमको कोई यहां गाली दे, और सैफिर यहां के कमिश्नर है, धौले साहब आईजी है, तो मैं तो जाके इनसे कहूंगा कि सब एनकाउंटर करवा दो, मरवा डालो इनको, ये हमको गाली दे रहे सब। जिब्राइल साहब ने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो, तैफ शहर दो पहाड़ों के बीच में है, तो उन्होंने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो दबा दूं, अरे बोले नहीं जाने दो, ये लोग, ये जो मुझे पत्थर मार रहे ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे। मैसेज। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस पर्सन इज अ हिंदू। I'm mentioning his faith because it's very astonishing to see people like him amidst some Hindu people calling for genocide of the Muslim community in India. There are few more people who are also truthful and kind-hearted. Brothers and sisters, he was praising Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his character. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is as perfect as human being can be. The other thing he told was Islam, love. Message. That's true. Quran is a fountain of mercy. It's a love letter to humanity. Many people have the idea of Islam and Muslim countries as so strict. All they think of is punishments. Allah subhanahu wa ta'ala is the most merciful. The strict laws in place not to curtail freedom for the people, but to protect the wealth, life, dignity, moral conduct of masses. This is a very sensitive topic. It requires another video within itself to explain this.
We need to be patient with people with things. May Allah forgive us. Ameen. Brothers and sisters, yes, the importance of reading and learning has to be emphasized more and more. We need to learn and benefit people. The single greatest human being ever walked this earth was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His character and conduct was amazing. Even non-Muslims who read history from neutrality have to agree this. Michael Hart put him first on the top 100 influential people. There are many historians who have made positive statements. Brothers and sisters, the idea of making this video was to appreciate Mr. Ojha sir. We respect you. Let's thank and appreciate people wherever it's deserving. Let's start reading and learning, brothers and sisters. We will come back soon with another beneficial video, inshallah. That's it for today. I hope you liked the video. Let us know your thoughts in the comment section below. We would. So guys, ये था video. Original link सबसे पहले मैं description में दे दूँगा. भाई को बहुत अच्छी प्यारी आवाज़ है भाई को बताने का तरीका. ठीक है. और जो ओझा सर थे वो कितनी सही बात बोले कि यानी कि वो हमारे पैगंबर थे. मतलब सिर्फ एक हाँ, एक पर्टिकुलर एक किसी रिलीजन के नहीं है, वो सभी के लिए, इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, धर्म वालों के लिए वो रहमत बना के भेजे गए थे. वो जो बताया कि एक बुजुर्ग महिला उनको मारती थी, चाहते तो वो कचड़ा फेंकती थी, मतलब वो फेंक के मारती थी ना, तो वो उनको रिप्लाई दे सकते थे, लेकिन वो शांति पूर्वक और इंसानियत के साथ उनको जवाब दिए. ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ चीज है गाइस जानने लायक. अगर आप देखोगे सुनोगे आपको खुद ही खुद अच्छा लगेगा. ठीक है, और इसमें ओझा सर ये भी बहुत सही चीज़ बोले कि अभी जो है मतलब बहुत से मतलब हमारे इंडिया में कि मुस्लिम लोग हैं कि थोड़ा जो पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, उसको बढ़ाना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए और क्या बोलते हैं अच्छे लेवल में जाना चाहिए. बहुत सही बात बोले वो लाइन. ठीक है, और जानना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट किया करो हमारे ऐसी वीडियो और हम लेके आए. ऐसा बताया करो आप लोग इस टॉपिक पे लेके आओ, या किसी की वीडियो भी होती है तो आप सजेस्ट कर दिया करो कमेंट पे. तो अगर आप इस वीडियो पे नहीं होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. आई लव यू गाइस.